तेरे पास दो ऑप्शन है, पहला उसे यहां बुला, तुझे छोड़ दूंगा, वरना तुम दोनों को एक साथ यही मारूंगा। और भी कोई डायलॉग बाकी है? जब वो आएगा तो ऑप्शन नहीं है, एक्शन हो। मेरे देश में तुम लोगों ने मुझसे 17 ब्लास्ट करवाए, तो क्या एक बार मैं तुम्हारे मुल्क में नहीं कर सकता? दिशा नहीं चाहती कि टाइगर करे किसी और एक्ट्रेस के साथ रोमांस। दिशा और टाइगर के बीच आई है श्रद्धा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी। दोस्तों आजकल जहाँ बॉलीवुड में शादियों का सीजन है, एक तरफ वरुण धवन और नताशा दलाल की शादी की खबर आई तो दूसरी ओर फेमस क्रिकेटर युजवेंद्र चहल की धनश्री से, एक और जहाँ विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के घर पर दस्तक दी है एक बेटी ने। आजकल ऐसा लग रहा है कि हर कोई अपना घर बसाने में लगा हुआ है। एक और बॉलीवुड में नए नए कपल्स के बारे में खबरें आ रही हैं, जैसे कि रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी की बात। वहीं दोस्तों एक कपल हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसा भी है जो मानने को तैयार ही नहीं है कि वो एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। भला ये भी कोई बात हुई? जी हाँ दोस्तों, दिशा पटनी और टाइगर श्रॉफ ने भले ही अभी तक अपने रिश्ते को लेकर कुछ भी नहीं कहा हो, लेकिन दोनों की साथ में तस्वीरें सब कुछ बयां करने के लिए काफी हैं। अपने एक इंटरव्यू में खुद दिशा ने इस बात को कबूल किया है कि वो चाहती है कि समय के साथ साथ उनका रिश्ता टाइगर संग आगे बढ़े। दरअसल दोस्तों दिशा पटनी से जब एक इंटरव्यू में सवाल किया गया कि आप दोनों अपने रिश्ते को स्वीकार क्यों नहीं कर लेते, लोग आपको एक कपल की तरह प्यार करते हैं, तो इस पर दिशा ने जवाब देते हुए कहा, मैं काफी लंबे समय से टाइगर को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही हूँ। हम दोनों को साथ में इतने साल हो गए हैं, लेकिन मैं उन्हें अभी भी इम्प्रेस करने में लगी हुई हूँ। फिल्म भारत में जब मैं स्टंट कर रही थी तब मुझे लगा था कि शायद ये सब देखकर टाइगर मुझसे खुश हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल टाइगर मेरी कोई किस्मत नहीं है। लेकिन दोस्तों चाहे वो कुछ भी कहे, ये बात तो सब जानते ही हैं कि दिशा और टाइगर डेट कर रहे हैं, और अब इस खबर को पक्का कर दिया है एक और खबर ने। दरअसल श्रद्धा कपूर जो कि टाइगर की बचपन की दोस्त है, बागी 3 में टाइगर के साथ दिखी थी और सुनने में आया था कि वो बागी 4 में भी फिर से दिखेंगी। लेकिन दोस्तों दिशा पटनी के कहने पर श्रद्धा को बागी 4 से हटा दिया गया है, तो क्या हो सकती है वजह? वजह दोस्तों बहुत सिंपल है। दरअसल दोस्तों दिशा नहीं चाहती कि टाइगर किसी और एक्ट्रेस के साथ रोमांस करे, और खासकर श्रद्धा कपूर के साथ में, जिनकी टाइगर के साथ काफी अच्छी दोस्ती है। तो दोस्तों अब आपको क्या लगता है, बागी 4 में हमें दिखेगी दिशा और टाइगर की जोड़ी, या फिर श्रद्धा को किया जाएगा रिकंसिडर? बताइए हमें कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय। इसी के साथ मैं अनुष्का त्यागी लेती हूँ आपसे इजाजत, हम फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूले। हमारी आज की राइटर है सान्या भार्गव।